आज देश में जो हालात हैं उस पर अदम गोंडवी साहब का एक शेर याद आता है कि मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से ही एक दुखी इंसान हूँ, मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पैसे से एक किसान हूँ। नमस्कार, मेरा नाम संजय है। ये कौन सी न्याय है और कैसा लोकतंत्र है जहाँ किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। संघर्ष कर रहे किसानों के ऊपर पुलिस आंसू भरी गैस के गोले दाग रही है, गोलियां चला रही है, यहां तक कि किसान दिल्ली न पहुंच पाए उसके लिए 22 लेयर का बैरिकेडिंग किया गया है। रास्तों पर कीले गाड़ी गई हैं और हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर हैं, वहां उनके स्वागत में फूल मालाएं बिछाई जा रही हैं। चारों तरफ से मीडिया कवरेज करके पीएम का गुणगान कर रही है और देश की मीडिया मोदी के इस दौरे को देश के लिए फायदेमंद बता रही है। वहीं दूसरी तरफ देश का अन्नदाता सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली उन हजारों किसानों का स्वागत कील पत्थर और गोलियों से कर रही है। ये कैसा लोकतंत्र है कि एक छोटे से MSP की मांग पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। विडंबना ये भी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री MSP को लेकर चुप्पी साधे हैं। किसानों को तो दिक्कत यहाँ भी हो रही है कि आज लोकतंत्र की चौथा स्तंभ मीडिया और बुद्धिजीवी किसान को ही गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। 2020 में किसानों की उठी वो आवाज आज एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। किसान जहां एक तरफ अपनी घर से ट्रैक्टर ट्राली पर राशन लादकर देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर रहे हैं, वहीं दिल्ली पुलिस राजधानी दिल्ली को किले के रूप में तब्दील कर दी है, जिसे देखकर अब ये लग रहा है कि देश के बाहरी दुश्मन देश की सीमाओं में घुसने का प्रयास कर रहे हों और देश की सेना दुश्मनों को रोकने की हर संभव कोशिश कर रही हो। कुछ बड़े किसान नेताओं का कहना है कि हम किसी भी तरीके का सरकार से विवाद नहीं चाहते हैं, बस हमारी मांग यही है कि MSP परमानेंट कानून बनाया जाए जिससे हमारे घर में भी खुशियां आ पाए। लेकिन सरकार फिलहाल किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, लेकिन देश की सरकार ने आज जवान और किसान को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जहां एक तरफ किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली कूच करना चाह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जवान अपनी फर्ज को निभाते हुए किसी भी हालत में किसानों को दिल्ली कूच नहीं करने दे रही है। फिलहाल देश में हालत गंभीर है, सरकार मौन है और आने वाला चुनाव है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसान आगे की क्या रणनीति अजमाते हैं। वैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को मेरी ये बातें, मेरी ये रिपोर्टिंग सरकार के खिलाफ लगती होगी, लेकिन आप में जिन भी लोगों को ये लगता है कि आज एक ईमानदार पत्रकार को सही दिशा और दशा में अपनी बातें रखनी चाहिए, वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।